वेलकम टू माय चैनल सिविल अप टू डेट। आज हम लोग पढ़ेंगे मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स। ये प्रॉपर्टी मैट्रिक्स की वैलिड है बोथ स्क्वायर और नॉन स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए। यानी अगर हमारी कोई मैट्रिक्स है ए जिसका ऑर्डर 2x2 है तो इसके लिए भी मल्टीप्लिकेशन वैलिड है, और वहीं अगर कोई मैट्रिक्स 2x3 है तो उसके लिए भी वैलिड है, बोथ स्क्वायर एंड नॉन स्क्वायर। लेकिन इस मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स में एक कंडीशन जो सेटिस्फाई होनी चाहिए वो ये है, अगर कोई दो मैट्रिक्स ए और बी इनका मल्टीप्लिकेशन हो रहा है तो अगर हम ए को फर्स्ट मैट्रिक्स बोलते हैं बी को सेकेंड मैट्रिक्स बोलते हैं तो कॉलम ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स इक्वल टू होना चाहिए रो ऑफ सेकंड मैट्रिक्स के। ये एक इकलौती कंडीशन है जो सेटिस्फाई होनी चाहिए, कॉलम ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स इक्वल टू रो ऑफ सेकंड मैट्रिक्स। एक एग्जांपल ले लेते हैं, अगर कोई मैट्रिक्स ए है, ये है 1, 1, 2, 1, 3, 1, तो इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा, इसमें 3 रोज हैं और 2 कॉलम्स हैं यानी 3x2। वहीं अगर एक मैट्रिक्स बी है 1, 1, 3, 1, तो ये 2x2 है इसका ऑर्डर। तो ए मैट्रिक्स में नंबर ऑफ कॉलम्स 2 हैं, बी मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रोज 2 हैं यानी बराबर है, यानी मैट्रिक्स ए इंटू मैट्रिक्स भी पॉसिबल है। अब मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है तो जो हमें रिजल्टेंट ए इंटू बी मिलेगा उसका ऑर्डर क्या होगा, तो ये 2x2 तो सेम रहेगा, 3x2 इसका है और 2x2 इसका, तो ये वैल्यू दोनों में कॉमन है, तो जो बची हुई वैल्यूज आ जाती हैं 3 और 2, ये ऑर्डर हमें मिलेगा मैट्रिक्स ए इंटू मैट्रिक्स बी का। मैट्रिक्स ए इंटू मैट्रिक्स बी भी कर लेते हैं, मल्टीप्लिकेशन काफ़ी आसान है, जो पोजीशन हमें चाहिए हमें उसी रोज़ और कॉलम्स में मल्टीप्लाई करना है। जैसे ये पोजीशन है फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो यहाँ पर जैसे हमें फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम चाहिए तो हमें फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यानी 1, 1 ज़ा 1 प्लस 1 इंटू 3। अब हमें सेकेंड पोजीशन चाहिए फर्स्ट रो में सेकेंड कॉलम का, यानी फर्स्ट रो को मल्टीप्लाई करेंगे सेकेंड कॉलम से, 1 इंटू 1, 1, फिर ये 1 इंटू 1, ये भी 1। अब हम सेकेंड रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे ताकि हमको सेकेंड रो में फर्स्ट कॉलम का पोजीशन मिले, 2 1 ज़ा 2 प्लस 1 3 ज़ा 3। अब सेकेंड रो इंटू सेकेंड कॉलम 2 1 ज़ा 2 प्लस 1 1 ज़ा 1, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम 3 1 ज़ा 3 प्लस 3 3 1 ज़ा 3 प्लस 1। तो ये हमें मैट्रिक्स मिली, इसको हम लोग आगे देखेंगे तो ये आ जाएगा 4 2 5 3 6 4। तो ये हमें मैट्रिक्स ए इंटू मैट्रिक्स मिल गई, जिसकी मैट्रिक्स ए भी मिल गई जिसका ऑर्डर है 3x2। तो मल्टीप्लिकेशन में इकलौती यही कंडीशन है, कॉलम ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स शुड बी इक्वल टू रो ऑफ सेकंड मैट्रिक्स। एक दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, इसको मैं चाहूंगा कि आप लोग करें। एक मैट्रिक्स ए है 3 2 1 2 4 2 1 2 6, और वहीं मैट्रिक्स बी है 1 2 -1। अब हमें मल्टीप्लिकेशन चाहिए बी ट्रांसपोज इंटू ए इंटू बी। ये मैं चाहूँगा कि आप लोग इसका मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म करें और कमेंट्स में इसको ज़रूर इसका आंसर दें, और कोई गलती होगी तो फिर मैं बताऊँगा, ये आप लोग निकालें। अगर किसी को डाउट है कि ट्रांसपोज क्या होता है तो मैं ट्रांसपोज बता देता हूँ। ट्रांसपोज
काफ़ी आसान चीज़ है, इसमें कुछ नहीं है। हम लोग रोज़ और कॉलम्स को इंटरचेंज कर देते हैं, रोज़ और कॉलम हम लोग इंटरचेंज कर देते हैं। और ये भी वैलिड है स्क्वायर और नॉन स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए। एक एग्जांपल ले लेते हैं, अगर एक मैट्रिक्स सी है हमारे पास, जिसका जिसकी वैल्यूज़ हैं 3, 2, 1, यही मैट्रिक्स ले लेते हैं 2, 4, 2, 1, 2, 6। तो अगर हमें सी का ट्रांसपोज चाहिए तो हमें उसकी रोज़ और कॉलम को इंटरचेंज करना होगा। मतलब 3, 2, 1 जो रो थी यहाँ कॉलम आ गई, 2, 4, 2, 2, 4, 2, 1, 2, 6 यहाँ कॉलम बन गया। और अगर कोई मैट्रिक्स डी है जिसकी वैल्यूज़ हैं 2, 4, 1, 3, 2, 1, तो डी ट्रांसपोज करने पे, सॉरी ये टी आएगा, तो डी ट्रांसपोज 2, 4, 1, 3, 2, 1। एक यहाँ अच्छी चीज़ और निकल के आती है कि अगर हमारी स्क्वायर मैट्रिक्स है कोई भी, जैसे ये सी मैट्रिक्स हमारी, इसका ऑर्डर है 3x3, तो ये स्क्वायर मैट्रिक्स है। स्क्वायर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करने पे उसके डायगोनल एलिमेंट्स चेंज नहीं होते हैं। जैसे यहाँ 3, 4, 6 है तो यहाँ भी 3, 4, 6 ही है, ये ट्रांसपोज की प्रॉपर्टी है। ठीक है, तो लास्ट में मैं ये चाहूँगा कि स्टूडेंट्स इसको सॉल्व करें। मैट्रिक्स ए और बी दिया है, बी ट्रांसपोज इंटू ए इंटू बी आप लोग करें और कमेंट्स में इसको ज़रूर लिखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।